नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आपसे बात आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जोधपुर जैसे बड़े शांत शहर के बड़े बाजार से एक महिला का गायब हो जाना 26 तारीख को मृतक नीता जोधपुर के बाजार से गायब होती है। 27 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के 3-4 दिन बाद में गंगाणा के अंदर उसका शव मिलता है, वो भी 6 टुकड़ों के अंदर दबा हुआ। ये बहुत ही गंभीर घटना है। इस घटना को सरकार को गंभीरता दिखाते हुए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार उपचुनाव के अंदर व्यस्त है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस घटना के प्रति गंभीरता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और जो परिजनों की मांग है, परिजन पिछले करीब 2 सप्ताह से धरने के ऊपर बैठे हैं, उनकी मुख्य मांग है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच की मांग उनको मानते हुए उनकी अन्य मांगों पर सहमति सरकार बनाए और गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करे। मैं खुद इस मामले को लेकर डीजीपी साहब से मिलूंगा। अगर समय रहते इस घटना का पूरा पर्दाफाश नहीं होता है, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो मैं खुद परिजनों के साथ में उनके धरने पर बैठूंगा, क्योंकि जोधपुर जैसे शांत शहर के अंदर इस तरीके की घटना होना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार जिस प्रकार गंभीरता दिखाती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं के साथ में इस तरीके का जघन्य अपराध के ऊपर बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाना बहुत ही चिंता का विषय है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए।